कैंसर से लड़ने के लिए आगे आए ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच नहीं बैठेंगे निकम्मी सरकार के भरोसे। बिहार के छपरा जिला में कैंसर मुक्त बिहार बनाने के लिए डॉक्टर सेमिनार का आयोजन बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच और वृद्धा पेंसर सेंटर पटना के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम छपरा के आशीर्वाद प्लेस में किया गया, जिसका उद्घाटन सारण जिला के सिविल सर्जन मधेश्वर झा, वृद्ध कैंसर सेंटर के डायरेक्टर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार तथा बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के राष्ट्रीय स्पीकर डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य, बिहार प्रदेश कोषा अध्यक्ष डॉक्टर विजय कांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता यूके मिश्रा एवं संचालन रामजीवन प्रसाद के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान वृद्ध कैंसर सेंटर के डायरेक्टर अरविंद कुमार ने ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच की ओर से आए तमाम डॉक्टरों को प्रशिक्षण के दौरान कहा कि अधिकतर कैंसर को प्राथमिकता स्टेज में ही ठीक किया जा सकता है। भारत में अधिकतर कैंसर तंबाकू के सेवन से फैलता है। इसके रोकथाम के लिए मैं जीवन भर कैंसर से निजात दिलाने के लिए संघर्ष करता रहूंगा। वहीं दूसरे वक्ता के रूप में मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने कहा, कैंसर भगाओ जरूरत अभियान में ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच की मुख्य भूमिका होगी। संगठन के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए रेगुलेटरी एक्ट बनाकर बोर्ड या काउंसलिंग का गठन किया जाए, तत्पश्चात उन्हें सरकारी डॉक्टर्स घोषित कर सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए। इस सेमिनार के मौके पर बिहार ग्रामीण चिकित्सक के तमाम बड़े छोटे पदाधिकारियों को अंग वस्त्र और CME सर्टिफिकेट के साथ चिकित्सकीय रत्न भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं News 99 खबरें है बिहार के छपरा से, जहाँ पर ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच और कैंसर सेवा संस्थान दिल्ली एम्स के टीम द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि कैंसर भी एक जनलेवा बीमारी बनते जा रहा है, जिससे निवारण मुक्ति के लिए यहाँ बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के जितने बड़े छोटे डॉक्टर हैं सबको प्रशिक्षण दिया गया है। ये बताया गया है कि कैंसर भी एक जनलेवा बीमारी है, इससे मुक्ति कैसे पाएं। तो शायद इसी आशा उम्मीद के साथ आज दिल्ली की टीम भी आया है यहाँ छपरा में, जिसके साथ ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्या भी मौजूद हैं। दिल्ली के डॉक्टर, पटना एम्स के डॉक्टर भी अरविंद बाबू यहाँ मौजूद हैं, ख्याति प्राप्त हैं। बुधा कैंसर के डायरेक्टर हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि ग्रामीण चिकित्सकों को किस तरह का ट्रेन किया गया है ताकि ग्रामीण चिकित्सक भी अन्य जगह जा करके अपने रोगियों को कैंसर भगाने का काम करेंगे, इलाज करेंगे। इनसे हम तमाम सवालों के साथ चलते हैं। बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्या के यहाँ आप आएंगे। मौर्या साहब, आज जिस तरीके से दिल्ली का टीम बुधा कैंसर संस्थान के द्वारा आज छपरा में कैंसर भगाओ अभियान के तहत आज सेमिनार का आयोजन किया गया है, तो कैंसर के बारे में क्या बताएंगे अपने ग्रामीण शेयर दिया? कैंसर मुक्त बिहार बनाने के लिए बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के साथ साथ जो भी सहयोगी संस्थान है उनके द्वारा कैंसर मुक्त बिहार बनाना है, और कैंसर मुक्त बिहार बनाने के लिए वृद्धा कैंसर सेंटर, जो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कैंसर सेंटर इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार DM मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनके निर्देशन में हम पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। उनको हम लोग अपने संस्थान के माध्यम से कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जोड़कर इस अभियान को सफल बनाने में हम पूरा समय। जितेंद्र साहब, बड़े आदर और समय से समाज में आपकी नाम ले जाती है, सब जीवे हर डॉक्टरों के लक्ष्य पर एक ही शब्द है, जितेंद्र नाथ मौर्या। तो आखिर इन डॉक्टरों का जो आपको भरोसा कर रहे हैं बिहार जा कर अन्य राज्यों से आए हुए डॉक्टरों के हित के बारे में क्या बताएंगे? इनके हित के बारे में हम लोग बिहार सरकार से डिमांड कर दिए हैं कि इनके लिए रेगुलेटरी एक्ट बनाया जाए। इनकी दिनचर्या के बारे में, इनकी दिनचर्या जैसे इनको हमने आज बताया है, आज के ट्रेनिंग में हमने बताया है कि कैंसर में क्या क्या लक्षण होते हैं, जिनको हम शुरुआत में नहीं पकड़ सकते हैं, जो फिजिशियन के यहाँ मिस हो जाते हैं और मरीज 4 से 6 महीना घूमते घूमते उसका स्टेज पार कर जाता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से ये मरीज जो गांव के गरीब मरीज है उनको हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, एक गरीब मरीज को भी हम जान बचा सकते हैं। अरविंद साहब,
जहाँ तक हमें जानकारी है कि पटना, रोहतास, बक्सर इवन छपरा जिला में भी आपकी यह जनहित जनसेवा में कार्य चल रही है निःशुल्क निस्वार्थ, ताकि सिर्फ समाज के भलाई है। तो क्या लगता है कि इससे जो छपरा जिला के लोग हैं इसे कुछ निजात पाएंगे? देखिए, जो सारण है ना, ये एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है और यहाँ के मरीजों को हम ये आज की ये भी बताना चाहते हैं कि तुरंत ही लोग SGPGI चले जाते हैं दूसरे राज्य में। हमारे राज्य में भी आज कैंसर का, ऐसा नहीं केवल बुधा कैंसर सेंटर, और भी सेंटर है जहाँ के अच्छे इलाज होते हैं, तो तुरंत यहाँ से लखनऊ नज़दीक पड़ता है, ऐसा नहीं, पटना में भी इलाज अच्छे से हो सकता है अगर समय रहते आ सकते हैं। जी, एक अहम और आखिरी सवाल है अरविंद बाबू, अभी सरकार और ग्रामीण चिकित्सक के बीच उलझने चल रही है, इस संबंध में आप क्या बताएंगे? इस संबंध में मैं तो बिहार के मोर और लेस सारे जिला में भ्रमण कर चुका हूँ कैंसर जागरूकता अभियान में। ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से यही अनुरोध होगा कि अब डू और डाई का लड़ाई लड़ना होगा और पूरे जितने भी संगठन हैं सबको एकजुट होकर, तब सरकार जैसे एक है उसी तरह इनको भी एक होकर सरकार के सामने 1-to-1 बात करना होगा, तो सरकार मानेगी। जी अरविंद बाबू, टीवी चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो यहाँ आज आयोजन किया गया है छपरा में, आपके साथ बड़े छोटे सभी डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से डॉक्टर आए हुए हैं सिर्फ अरविंद बाबू के बात को सुनने के लिए, कैंसर भगाने के लिए, कि हमारे स्वास्थ्य के चिकित्सीय क्षेत्र में कैंसर भी शामिल हो ताकि हम कैंसर से रोगियों को मुक्ति दिलाएँ। तो ये था आज के कार्यक्रम, संडे को यहाँ छपरा में रखा गया था, इसमें सभी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र नाथ भी हैं, विजय कांत हैं, सभी डॉक्टर हैं बड़े छोटे। तो आप बने रहें न्यूज 99 के साथ, मैं हूँ राम राज सिंह छपरा। हित के बारे में आप क्या बताएंगे? इनके हित के बारे में हम लोग बिहार सरकार से डिमांड कर दिए हैं कि इनके लिए रेगुलेटरी एक्ट बनाया जाए। रेगुलेटरी एक्ट बनाने के बाद बोर्ड ऑफ काउंसिल का गठन किया जाए। बोर्ड ऑफ काउंसिल बन जाएगा तब इसके लिए एक अलग स्टेट रजिस्टर खोला जाए जिसमें इनका निबंधन कर इनको चिकित्सा का अधिकार प्रदान। ये तो आप देख रहे थे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्या यहाँ मौजूद हैं, जिनके देखने के लिए, दीदार के लिए बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से आए हुए डॉक्टर आज इनसे लाभान्वित हुए हैं इनकी बातों को सुन करके। तो आगे और हम बढ़ते हैं, जो आयोजक हैं बुधा कैंसर सेंटर संस्थान से आए हैं पटना से, उनके साथ दिल्ली का भी टीम आई है, तो कैंसर से कैसे निजात पाएं, मुख्य उसका उद्देश्य है, मुख्य कैसे उसका हम उसको भगाएं, इसके लिए हम बात करते हैं डॉक्टर अरविंद साहब से। अरविंद बाबू, आप एक काफ़ी लोकप्रिय हैं समाज में, अन्य राज्यों में आपकी आदर से नाम ली जाती है, कैंसर रूप में आपको जाना जाता है, तो कैंसर भगाने का आप एक बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, आप क्या बताएंगे सर कैंसर के बारे में? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एम्स दिल्ली में पहले 6 साल था और अभी बुधा कैंसर सेंटर पटना में हूँ। कैंसर हमारे यहाँ लाइलाज माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ के मरीज तीसरे और चौथे स्टेज में ज़्यादातर पहुँचते हैं क्योंकि जागरूकता का कमी है। हमारे जो चिकित्सक भाई लोग हैं उनको ये बताना होगा कि कैंसर को शुरुआती लक्षण में कैसे पकड़े। कैंसर का इलाज संभव है पूर्णतः अगर पहली और दूसरी स्टेज में पता चल जाए, और यही अमेरिका इंग्लैंड में होता है, वहाँ ठीक हो जाता है क्योंकि कैंसर के मरीज पहली दूसरी स्टेज में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चौथी स्टेज में आता है मरीज, यही रोने की बात है। बिहार एक गाँवों का देश है और गाँवों में ग्रामीण चिकित्सक लोग रहते हैं और ये बिहार के स्वास्थ्य के रीढ़ की हड्डी है, तो अगर हम इनको अगर हम जागरूक करें। अहम सवाल है कि आपके कदम कदम मिलाने के लिए बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षण डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्या भी आपके साथ हो गए हैं ताकि हम भी अपने डॉक्टरों को प्रशिक्षित करके ये भगाने का काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब जितेंद्र नाथ मौर्या को या ग्रामीण चिकित्सकों को करेंगे इनकी दिनचर्या के बारे में? इनकी दिनचर्या जैसे इनको हमने आज बताया है, आज के ट्रेनिंग में हमने बताया है कि कैंसर में क्या क्या लक्षण होते हैं जिनको हम शुरुआत में पकड़ सकते हैं, जो कि जिसके लिए हम मिस हो जाते हैं और मरीज 4 से 6 महीना घूमते घूमते उसका स्टेज पार कर जाता है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से ये मरीज जो गांव के गरीब मरीज हैं उनको हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, तो एक गरीब मरीज को भी हम जान बचा सकते हैं। अरविंद साहब, जहाँ तक हमें जानकारी है कि पटना, रोहतास, बक्सर